26/11/2008 मुंबई का ताज होटल उस दिन गेस्ट से भरा हुआ था। अचानक से होटल में चार टेररिस्ट गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आए कि क्या हो रहा है, बहुत सी लाशें गिर चुकी होती हैं और अब ताज के एम्प्लॉयज के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी जान बचाते या फिर वो सभी गेस्ट को सेफली किसी सेफ जगह पर ले जाकर अपनी ड्यूटी निभाते। उस समय अगर वो अपनी जान भी बचा लेते तो कोई शायद उन्हें जज नहीं करता, लेकिन वो कायर नहीं थे और उन्होंने बहादुरी को ही चुना। बहादुरी के ऐसे ना जाने कितने किस्से हमें इस मामले में सुनने को मिले हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही कुछ बहादुरी की कहानियां जानते हैं 26/11 हमले की। 26/11 के हमले में ताज होटल के अलावा एक बड़ा अटैक मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर भी हुआ था, जहां इस्माइल और अजमल कसाब नाम के दो टेररिस्ट ने करीब रात के 9:50 पर ओपन फायर कर दिया। ऐसे में विष्णु जेंडे नाम के एक रेलवे अनाउंसर ने नोटिस किया कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो खून से लथपथ हैं। उसी समय उन्हें गोलियों की आवाजें भी आ रही थी, हालांकि वो टेररिस्ट को नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में विष्णु ने यह अनाउंस करना शुरू कर दिया कि कोई भी आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ ना जाए, बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर निकले। धीरे धीरे लोगों ने बात सुननी शुरू कर दी और बहुत से लोग सेफ साइड से होते हुए बाहर निकलने लगे, जिसने टेररिस्ट के प्लान्स को कमजोर कर दिया और अब वो इस अनाउंसर को ढूंढने लगे। उन्होंने फाइनली विष्णु जेंडे को देख लिया और उसकी तरफ फायर करने लगे, लेकिन विष्णु ने किसी तरह नीचे झुककर अपनी जान बचाई और अनाउंसमेंट्स जारी रखी। इसके बाद टेररिस्ट को वहां से भागना पड़ा और वो शहर के दूसरे इलाके में चले गए, जिसके बाद ये टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल की तरफ गए, जहां पर उस वक्त 300 से ज्यादा पेशेंट्स मौजूद थे। इसी समय हेमंत कारकरे नाम के एक पुलिस ऑफिसर भी उन्हें फॉलो करने लगे। कामा हॉस्पिटल में विजू चावन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत थी जो लेबर के बीच में थी और उसके पति शामू अपने 4 साल के बेटे के साथ दवाई लेने गए थे। जब टेररिस्ट वहां ओपन फायर कर देते हैं तो शामू किसी तरह वापस अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं, एक आयरन रॉड उठाते हैं और नर्स से उनकी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। शामू अपने साथ एक वार्ड बॉय को भी ले जाते हैं और दोनों ही दरवाजे के पास टेररिस्ट का इंतजार करने लगते हैं। इस वजह से सेफली उनकी पत्नी अपनी डिलीवरी कर पाती है और उन्हें एक बेटी पैदा होती है, जिसका निकनेम आने वाले सालों में गोली रखा जाता है। तभी हेमंत कारकरे भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो बैकअप के लिए दो ऑफिसर्स को भी बुला लेते हैं और कुछ कॉन्स्टेबल्स भी उनके साथ होते हैं, लेकिन उनकी जीप टेररिस्ट की गोलियों का शिकार बन जाती है। इतनी तेज ये हमला होता है कि किसी के पास कुछ करने का समय नहीं होता और सभी लोग उसी समय शहीद हो जाते हैं, सिवाय एक कांस्टेबल के, जिसका नाम था अरुण जाधव, जो कि जीप में पीछे की तरफ बैठा हुआ था। अचानक से वो टेररिस्ट जीप का दरवाजा खोलकर जीप के अंदर आ जाते हैं। जीप वहां से चलने लगती है और पीछे अरुण जाधव होते हैं। ऐसे में उनके एक मृत साथी का फोन बजता है और एक टेररिस्ट पीछे की तरफ से शूट करता है, लेकिन अर्जुन जाधव फिर भी बच जाते हैं। फायरिंग की वजह से जीप का एक टायर भी डैमेज हो जाता है, इसलिए रोड के बीच में टेररिस्ट वहां जीप से उतरते हैं और एक स्कॉडा गाड़ी को हाईजैक करके उसमें वहां से निकल जाते हैं। अरुण जाधव तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि टेररिस्ट अब एक स्कॉडा गाड़ी में है, जिस वजह से पुलिस नाकाबंदी करते हुए उनके गाड़ी को काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है। जब ये गाड़ी एक चेक पोस्ट पर पहुंचती है तो 50 मीटर पहले ही रुक जाती है और पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लोग एक यू टर्न लेने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा जाते हैं और अब दोनों आतंकी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें से इस्माइल को तो उसी समय गर्दन पर गोली लग जाती है, लेकिन कसाब गाड़ी से बाहर निकलकर शूट करने की कोशिश करता है। तभी ASI तुकाराम उसकी गन पकड़ लेते हैं। इसके बाद कई गोलियां ASI तुकाराम को लगती हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन उससे होता यह है कि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है, जो कि अथॉरिटीज की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं ताज होटल में, जहां पर ताज के स्टाफ के कारण ना जाने कितने ही लोगों की जान बच जाती है। सबसे पहले ताज के ग्रैंड एग्जीक्यूटिव चीफ हेमंत ओबेरॉय को फोन पर बताया जाता है
कि वहां पर शूटिंग हो रही है और कुछ लोग गन्स के साथ अंदर घुस आए हैं। हेमंत तुरंत ही बाकी स्टाफ से सभी दरवाजे बंद करने और लाइट्स ऑफ करने के लिए कहते हैं। ताज के अंदर शामियाना नाम का एक रेस्टोरेंट होता है जिसमें टेररिस्ट एंटर करते हैं और साथ ही एक ग्रेनेड भी उस तरफ फेंक देते हैं। शामियाना का 27 साल का मैनेजर अमित पेशवा जल्दी से अपने गेस्ट को उसे फॉलो करने के लिए कहता है और उन्हें ट्रांसफॉर्मर रूम तक ले जाता है, जहां पर उसे एक कपल दिखता है जो बताता है कि उनका 10 साल का बेटा बाथरूम में है और अब अमित अपनी जान की परवाह किए बिना उनके बेटे को ढूंढने वापस निकल जाते हैं। इस डिसीजन के पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वो होटल के लेआउट को ज्यादा बेहतर समझते थे और दूसरा कारण ये था कि अमित को पता था कि अगर उन्हें टेररिस्ट ने पकड़ भी लिया तब भी वो उन्हें बाकी गेस्ट की लोकेशन नहीं बताने वाले थे। अमित बड़ी ही शांति से होटल में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी एक कॉरिडोर के एंड पर एक टेररिस्ट उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ फायर कर देता है, जिससे किसी तरह तो वो बच जाते हैं। इसके बाद उनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंका जाता है जो कि ब्लास्ट नहीं होता और फिर किसी तरह अमित वहां से निकल जाते हैं। हालांकि बाद में वो बच्चा भी सेफली अपने पेरेंट्स के पास मिल जाता है, लेकिन अमित की ये कोशिश फेल होने के बावजूद भी ये बहादुरी की एक मिसाल बन जाती है। अमित जब वापस ट्रांसफॉर्मर रूम में जाते हैं तो उसके बॉस द्वारा ट्रांसफॉर्मर रूम का दूसरा साइड का दरवाजा खोला जाता है, जिससे कि वो सभी गेस्ट को वहां से सेफली बाहर ले जाते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ हेमंत ओबेरॉय कई सारे गेस्ट को लेकर द चैम्बर्स नाम के एक लाउंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। द चैम्बर्स काफी एग्जीक्यूटिव क्लब था, जिस वजह से इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था और साथ ही यहां पर एंट्री के लिए भी कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी और इस लोकेशन को सेफ मानकर वो अपने गेस्ट को किचन्स और सर्विस कॉरिडोर्स के रास्ते की मदद से वहां ले जाने में कामयाब रहे। इसके बाद उनका प्लान ये था कि वो लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और गेस्ट को सेफ रखने के लिए ताज के एम्प्लॉयज ने डिसाइड किया कि वो एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, जिससे कि अगर इस ग्रुप पर शूटिंग भी हो तो सबसे पहले वो गोलियां उन एम्प्लॉयज को ही लगे। यहां पर इन एम्प्लॉयज को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो बाकी विक्टिम्स की तरह ही डर कर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की आपदा में भी अपने गेस्ट का साथ नहीं छोड़ा। अब सबसे पहले ह्यूमन चेन बनाई गई और एक बैच को बाहर भेजा गया ताकि वो उन रास्तों से बाहर निकले जिनके बारे में सिर्फ स्टाफ को ही मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन गेस्ट में से कई लोग ऐसे थे जो फोन पर मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया भी बिना किसी डिले के ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइव टीवी पर दिखा रहा था, जिस वजह से ये टेररिस्ट को भी इनका प्लान पता चल जाता है और एक टेररिस्ट ने नीचे आकर इन सभी पर फायर करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में कई एम्प्लॉयज घायल हो गए और सभी को वापस द चैम्बर्स में ही लौटना पड़ा। इसके कुछ वक्त बाद यानी 27 तारीख की सुबह 8 से 8:30 बजे एनएसजी के कमांडोज ने द चैम्बर्स का दरवाजा खटखटाया और इसके बाद इन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा गया। बाहर निकलने पर उनके लिए कई बसेस इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई क्योंकि टेररिस्ट अभी भी इन लोगों पर फायर कर रहे थे। ऐसे में ताज के एम्प्लॉयज ने दोबारा एक ह्यूमन चेन बनाई और सभी गेस्ट को सेफली इन बसेस तक पहुंचाया। बस पर चढ़ते हुए सभी ने अपने आप को नीचे की तरफ झुकाया हुआ था और इस हादसे का खौफ इतना ज्यादा था कि बस के ताज से निकलने के बाद भी काफी समय तक किसी पैसेंजर ने सर उठाकर बाहर की तरफ नहीं देखा। इसके बाद तो जाहिर है कि एनएसजी कमांडोज आ गए थे और टेररिस्ट को काबू करने की कोशिश शुरू हो गई। धीरे धीरे इन लोगों ने सभी टेररिस्ट को होटल के कोने तक की सीमित कर दिया और उसके बाद एक लंबी फायर फाइट चली, जिसके 10 घंटे बाद सभी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 26/11 हमले से जुड़ी ऐसी कई और बहादुरी की कहानियां हैं दोस्तों, जिसमें एनएसजी के मेजर उन्नी कृष्णन की कहानी से लेकर और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन सभी को एक ही वीडियो में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि हम 26/11 के बाकी हीरोज पर अलग से एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।